भरोसा दिता सी 27 तरीक नूं राहुल गांधी जी आए थे उन्हां दी हाजरी च मैनूं कहा गया सी कि तुहानूं असीं उत्थों इलैक्शन लड़ाउणा है तुसीं तैयारी करो। उहदे हिसाब नाल मैं तैयार सी, तैयारी कर रहा सी। दो दिन तो मैनूं टैलीफोन आ रहे सी कि कांग्रेस हाई कमांड वल्लों हरीश चौधरी जी साडे जिहड़े प्रभारी आ, परसों रात नूं 12 बजे फोन आया। इस गल दा तां मैनूं हुण कोई पता नहीं गा, लेकिन इह आ कि राजनीतिक जिहड़े लोक हुंदे ने उह किसे नूं वध आ के देखणा नहीं चाहुंदे। हो सकता कुछ लोगों के होगा कि के पी का कद वड्डा है, सियासी तौर पर होर वड्डा हो जाएगा, मैनू नहीं पता। ये हुण उन्हां लोगों को पता होगा कि उन्होंने बंद की सोच है, पर मैं तो हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच रखी है। कांग्रेस लिए हमेशा ही मैं तत्पर रहा, निगाह दे विच हैगे अपने ही बंदे आ, लेकिन मैं हले पार्टी चा पार्टी बनया होया। मैं हाईकमांड में जरूर गल दसा, मैं राहुल जी को कल या परसों मिल के भी ये तुहाडा कहण के बावजूद भी मेरा नहीं इन्होंने किया, या तो फिर तुम इन्ने गट्स के नाल नहीं कह गल कही, या फिर तुम कह लो कि जिहड़े थले दी इकाई है उन्हें तुहाडी गल नहीं मनी। हाईएसट बॉडी ने मैनू कह दिता कि तुम चिंता ना करो, तो फिर मैनू कोई शक नहीं सी कि मैं आजाद लड़ा। इस करके मैं तो सिर्फ कांग्रेस वालों गया सीगा, जे मैं आजाद दी मंशा होंदी तो मैं जरूर एक सैट होर लै जांदा। हुण जे रिश्तेदार नूं टिकट नहीं सी देनी तो फिर चौधरी संतोख सिंह आ साडे मैंबर पार्लीमेंट है, उहदे लड़के नूं टिकट देती, उहदे भतीजे नूं टिकट देती है, होर बहुत सारे पंजाब दे विच इदां दीआं टिकटां जिहड़ियां दित्तियां गईआं। और बड़ी एक इंट्रस्टिंग जिहड़ी गल आ कि पंजाब 10 सिटिंग MLA कट्टे गए, जिन्हां 'चों 6 शेड्यूल कास्ट जिहड़े आ कट्टे गए, 11 दी शांति हो गई उन्हों की, मतलब जी 6 जे शड्यूल कास्ट वर्ग के ना संबंध रखते। क्या जे गाज गिरनी है तो शड्यूल कास्टा की गिरनी है? मैं भी शड्यूल कास्ट हाँ, ये जरूर है कि शड्यूल कास्ट की जगह शड्यूल कास्ट आया, पर जे विधायक जिन्होंने 5-5 साल काम किया उन्होंने कट के, तो मैं समझदा कि बहुता अच्छा नहीं होया पार्टी लिए, अच्छा नहीं होएगा, बाकी समा दस देगा। उसने मैनू बाहर क्ढन की पूरी कोशिश की है, कांग्रेस ही मैं धक रही है, तो हले असी फैसला करांगे अपने साथियों भी परिवार के, क्योंकि हले 2-3 घंटे की तो गल इमीजिएटली कोई फैसला हले नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बार राहुल गांधी जी को परसनली मिल के जरूर दसांगा कि तुहाडी पार्टी जिहड़ी आ इह साडे वर्गे लोकां नाल इस तरह दा है। विधानसभा हलका आदमपुर जो कांग्रेस के लिए जदों सीटां की वंड होनी सी उदों तो ही रेड़का बनया होया, तो अज जदों नोमीनेशन फाइल करन दा आखिरी दिन सी तां अज भी काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वालों जिस सीट के उपर उम्मीदवार ऐलानी गई सी सुखविंदर कोटली, वो अपना नामजदगी दाखिल करने लई पहुँचे, पर उस तो पहला महेंद्र सिंह KP भी पहुँच चुके से, उन्होंने दावा किया कि मैनू इतों पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, पर आखिर की होंगे खाली हथ वापस आ जाते। मेरे नाल महेंद्र सिंह KP गलबात करते। KP साहब, पार्टी ने तो कोटली साहब नू जिहड़ा आ टिकट दिती हुई सी, फिर तुसीं नोमीनेशन करन चले गए, किवें की प्रोसैस सी? नहीं, मैनू पार्टी ने भरोसा दिता सी, 27 तरीक नू राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने हाजरी च मैनू कहा गया सी कि तुहानू असीं उत्थों इलैक्शन लड़ाउणा है तुसीं तैयारी करो। उहदे हिसाब नाल मैं तैयार सी, तैयारी कर रहा सी। दो दिन तो मैनूं टैलीफोन आ रहे सी कि कांग्रेस हाई कमांड वल्लों हरीश चौधरी जी साडे जिहड़े प्रभारी आ, परसों रात नूं 12 बजे फोन आया कि आपकी टिकट हम कर रहे हैं, तो असीं तो उन्होंने मतलब कहण मुताबक अपनी तैयारी की सी। फिर राती भी फोन आया, फिर उन्होंने मेरे को जिहड़े मेरा वोटर कार्ड आ, ID कार्ड आ मेरा, वो कॉपी भी मंगवाई कि तुम अपना एज प्रूफ जोड़ा है भेजो, वो भी भेज दिता। फिर मैंने कहा कि सवेरे 9 बजे बंदा आ जाएगा, तुम्हें जी टिकट वो दे जाएगा, जोड़े सिंबल लैटर होंगे। जो 2 बजे 2:30 बजे तक कोई नहीं आया, फिर मैं चलो गया, मैं क्या भी हो सकता शायद उत्थे सीधा ही, कई बार इस तरह होंगे कि सीधा ही रिटर्निंग अफसर न पार्टी वालों चिट्ठी आ जाती है। जो मैं उत्थे गया तो उत्थे पता लगा भी मेरे नाँ की कोई उत्थे चिट्ठी नहीं है, तो मैं उत्थों वापस आ गया। की लगता राहुल गांधी होरां वल्लों तुहानूं विश्वास दवाया होए कि तुसीं आदमपुर तो टिकट तुहानूं दित्ती जाएगी, फिर पैर कित्थों खिचेगे तुहाडे? देखो इस गल दा तां मैनूं हुण कोई पता नहीं गा, लेकिन यह आ कि राजनीतिक जिहड़े लोक हुंदे ने उह किसे नूं वध आ के देखणा नहीं चाहुंदे। हो सकता कुछ लोगों के होगा कि KP का कद वड्डा है, सियासी तौर पर होर वड्डा हो जाएगा, मैनू नहीं पता। ये हुण उन्हां लोगों को पता होगा कि उन्होंने बंदियां दी की सोच है, पर मैं तो हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच रखी है, कांग्रेस लिए हमेशा ही मैं तत्पर रहा, और जिथे भी संकट की घड़ी आई है असी कांग्रेस के नाल खड़े रहे हैं। अच्छा, एक लीडर भी अपनी जिहड़ी जांच पड़ताल करता हुंदा कित्थे कमी रही जां किन्ने जिहड़ा है पिछे नूं मैनूं खिंचिया, फिर तुसीं भी अपने पद्धर ते कर रहे हो जां फिर जद तुहाडे निगाह दे विच हैगे आ चेहरे हो? नहीं, मेरे चेहरे बिल्कुल जाने पछाने आ, निगाह दे विच हैगे आ, अपने ही बंदे आ,
लेकिन मैं हले पार्टी च बनया होया। मैं हाईकमांड में जरूर गल दसा, मैं राहुल जी ने कल या परसों मिल के भी ये तुहाडा कहण के बावजूद भी मेरा नहीं इन्होंने किया, या तो फिर तुम इन्ने गट्स के नाल नहीं कह गल कही, या फिर तुम कह लो कि जेडे थले इकाई है उन्हें तुहाडी गल नहीं मनी, और उस तो बाद मैं फैसला लूँगा। मैं एक बार जाके उन्होंने जरूर अपनी गल जी चेहरे केड़े आओ जलंधर के या फिर पंजाब की सीनियर लीडरशिप जलंधर के भी है, कोई पंजाब के भी है, हर बंद कुछ ना किसी तो डर होंगे। मंत्रियों चो है ज कोई मंत्री होए संतरी होए कोई कांग्रेस ये नहीं होंगे, हाँ कांग्रेस के देखी जाती कांग्रेस की सेवा देखी जाती है, मंत्री कुछ देर लिए बंदा बनता, लेकिन कांग्रेस की सेवा करनी कांग्रेस के काम करना वो हमेशा बंदा करता है। मंत्री कुछ चलो ठीक है जरा समा मिल जाता कर वो अपना मंत्रीशिप कर लेंदा। की लगता भी चेहरे की पछाण नहीं हुई या फिर यकीन इन्ना सी कि पछाण करन दी जरूरत ही नहीं पई? नहीं, मैनू इस गल का पता सीगा कि ये लोग जिहड़े काफ़ी देर तो मेरे नाल इदां, क्योंकि 14 तो मैं इस गल का सफर रहा। 2014 दे विच मैं जितया इतों एम पी सीगा, मैनू हुशियारपुर भेज दिता। 2017 मैं आदमपुर भेज दिता। 19 दे विच मेरी टिकट फिर पार्लीमेंट जी डिनाई कर दिती, तो हुण आके बिल्कुल आदमपुर तो भी मैनू, क्योंकि मैं 5 साल आदमपुर काम किया, ठोक पजा के काम किया, चन्नी साहब के चीफ मिनिस्टर बनने तो बाद बहुत सारे काम हुए है जिहड़े ना होने वाले काम भी असी उत्थे आदमपुर दे विच कीते है। तो मेरी कबूलता तो मेरी समझ लो लोगों का सहचार है जिहड़ा, पता नहीं क्यों परेशान है। जो चन्नी साहब आदमपुर आए थे हक के उन्होंने नारा भी लगाया से, और बल्लां दे विच डेरा जो बल्लां है उत्थे भी तुहाडी मुलाकात होंदी है, उदों की भरोसा की दिता जांदा सी? नहीं, जो एक बार कह दिता कि तुम अपना निश्चिंत होकर काम करो, फिर बार बार रोज़ रोज़ उस गलों के काम नहीं होंगे। फिर उस बाद बहुत सारे काम इदा के होंगे, विकास के काम होंगे, किस तरीके अगे पार्टी बढ़ाना है, किस तरह सरकार दियां प्राप्तियां उन्होंने अगे लैके जाना। पर मैं इस गल तो बड़ा खफा है कि जिहड़ा अज मेरे नाल पार्टी के जिहड़े साढ़े उच्च अधिकारी है उन्होंने जो किया कि तुम जाओ पेपर फाइल करो मुड़ के टिकट नहीं देना, यह बहुत मेरे नाल एक किस्म का धोखा होया। धोखा फिर पंजाब की लीडरशिप वालों ही होया? नैचुरली पंजाब की लीडरशिप वालों, जो हूँ राहुल गांधी तो मैं पूछूंगा उन्होंने, लेकिन जो इस वे हो तो पंजाब जिहड़े प्रभारी है वह मैं आप टैलीफोन कर रहे हैं कि तुम अपनी तैयारी करो। हूँ मैं प्रभारी की गल भी मन के कर सकता ही तैयारी। तुम एक कांग्रेस वालों ही एफीडेविट तैयार करके लै गए से आजाद तो भी? नहीं, मैं कला कांग्रेस जब मैं हाईएसट बॉडी ने मैनू कह दिता कि तुम चिंता ना करो, तो फिर मैं कोई शक नहीं सी कि मैं आजाद लड़ा। इस करके मैं तो सिर्फ कांग्रेस वालों गया सगा, जे मैं आजाद की मंशा होंगी तो मैं जरूर एक सैट होर लै जाता। अच्छा, तुम जो टिकट कटी गई सी बोलिया सी कि मेरी जी रिपोर्ट आ गलत भेजी गई, वाकई यही होया? देखो हर चीज़ प्लैनिंग होंगी है, अजक मैं चलो किसी के दोष नहीं लाता, लेकिन बहुत सारे काम इदा के होंगे जिपोर्टा जदों हूँ जे तुम ये कह लो कि जे पार्टी का पैमाना जी असी विनेबिलिटी के उत्ते टिकटा देनिया तो क्या 117 के 17 ही जित जाएंगे? तुम हर चीज़ को देखते हो, वो परफॉर्मेंस देखते हो, वो फैमिली बैकग्राउंड देखो, पार्टी प्रति निष्ठा देखते हो, तो मैं ये दस दिन पार्टी के जोड़े व्डे है भी जिन्होंने ये कहें रिपोर्टा थोड़िया ठीक नहीं है, हूँ तुम 117 जित लोगे? इस करके कदे इदा की गल नहीं होंगी, ना कदे 100% रिजल्ट राजनीति होंगे। कि लगता भी कि शेयरिंग जी है सी एम चन्नी की या फिर नवजोत सिंह सिद्धू के कहने के उपर वोटा माफ करना सीटा की वंड हुई? मैं एक मैं इन चीज़ों कोई पता नहीं कि पंजाब किन्ने हिस्से कि सीटा आई हैं, मैनू तो अपनी कहते पंजाबी कहते तेन अपनी पई है तू होर की लैना। गल ये कि पंजाब के मैं प्रेजिडेंट रहा, PCC का प्रेजिडेंट रहा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी का भी मैं मैंबर रहा, हाईएसट बॉडी तो मैं मतलब कांग्रेस के काम किया है, मैनू हर चीज़ का पता प्रक्रिया पता की होंगी है किस तरह होंगी है। लेकिन जे हाईकमांड में तुम कोई गलत फीड करोगे तो फिर हाईकमांड ने तो डायरैक्ट नहीं किसी ना रबता रखना होंगे, थ्रू जोड़े फीडर होंगे उन्होंने जाती है फीड। इस करके मैं समझदा कि जोड़े मेरे मैनू बढ़ता नहीं देखना चाहते होने उन्होंने इदा दिपोर्टा बना के भेजिया जड़िया। मैं कहना बी तुम जलंधर रहने मेरे किसी पुछ के देख लो भी मेरा और मेरे परिवार का की अक्स है, तो जे थानू पता तो ये जोड़े दूसरे जोड़े आ सर्वे सुरवे करते हैं क्या इन्हों नहीं पता भी KP परिवार या KP उन्होंने की है अक्स? तो ये रिपोर्टा के उत्ते मैं बहुता यकीन नहीं करता, रिपोर्टा फिक्टिशियस भी हो सकती हैं, रिपोर्टा मैनेज भी कीतियां जा सकती हैं, ये उन्होंने जा उन्होंने पता। अच्छा, तुम पार्टी टिकटा की वंड नूं किवें देखते हो? क्योंकि 16 अजिहे
चेहरे ने जिन्हां दे रिश्तेदार बेटे नूं जां फिर नूं नूं जां फिर उन्हां दे किसी दिमाग नूं टिकट दित्ती हुई, इस दी वंड नूं कैसे देखदे हो? देखो इस गल दे उत्ते सख्त इतराज आ कि पार्टी ने जो किया वह किया नहीं आ। पार्टी कहिंदी सी किसी रिश्तेदार नूं असीं टिकट नहीं देनी, हुण जे रिश्तेदार नूं टिकट नहीं सी देनी तो फिर चौधरी संतोख सिंह आ साडे मैंबर पार्लीमेंट आ उहदे लड़के नूं टिकट देती, उहदे भतीजे नूं टिकट देती आ, होर बहुत सारे पंजाब दे विच इदां दीआं टिकटां जिहड़ियां दित्तियां गईआं। और बड़ी एक इंट्रस्टिंग जिहड़ी गल आ कि पंजाब 10 सिटिंग एम एल ए कट्टे गए जिन्हां चों 6 शेड्यूल कास्ट जिहड़े आ कट्टे गए, 11 दी शांती हो गई उन्हां दी, मतलब जिहड़ियां 6 जिहड़े शेड्यूल कास्ट वर्ग दे नाल संबंध रखदे। क्या जे गाज गिरनी है तां शेड्यूल कास्टां दी गिरनी है? मैं भी शेड्यूल कास्ट आ, ये जरूर आ कि शेड्यूल कास्ट दी जगह शेड्यूल कास्ट आया, पर जिहड़े विधायक जिन्हां ने 5-5 साल काम किया उन्हां नूं कट के तो मैं समझदा कि बहुता अच्छा नहीं होया, पार्टी लिए अच्छा नहीं होएगा, बाकी समा दस देगा। किपी साहब तुसीं 5 साल बहुत मेहनत की है हल्के जाते भी रहे, लोगों विचरते रहे, लोग तो घर आते रहे, हूँ फिर अगला की प्लेटफॉर्म की होएगा, की रणनीति होगी कांग्रेस के रह के या फिर कांग्रेस तो बाहर? नहीं देखो कांग्रेस ने मैनू बाहर कढ़न की पूरी कोशिश की है, कांग्रेस ही मैनू धक्क रही है, तो हले असी फैसला करांगे अपने साथियों नाल भी परिवार के, क्योंकि हले 2-3 घंटे की तो गल है, इमीजिएटली कोई फैसला हले नहीं लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बार राहुल गांधी जी परसनली मिल के जरूर दसांगा कि तुहाडी पार्टी जिहड़ी आ इह साडे वर्गे लोकां नाल इस तरह दा। तुसीं इस तों पहलां कॉन्फ्रेंस कीती सी उहदे विच बोले मेरे तो सबूत भी हैगे, मैं सबूतां दे नाल जेकर तुसीं बाहर जाने हो तां सबूतां दे नाल नाम जिहड़े आ नशर करांगे। उह तो कुदरती गल आ, जदों मैं जे अपने प्लेटफॉर्म दे किसी होर प्लेटफॉर्म ते बोलदा जां जाना ते मैं जिन्हां जिन्हां लोकां दे जिन्हां जिन्हां ने जो गलत कीते आ काम उह मैं जरूर नशर करांगा, दसांगा, फिर प्रूफ दसांगा कि इह लोक इह काम करदे ने। फाइलां तुसीं तैयार रखियां ने? मैं नहीं, चलो मैं कौन हुंदा फाइलां ने, लोकां नूं पता है, लोगों को हर चीज़ का पता है, ये नाम है सबूतों के सब सब पता है, सब पता है किड़े किड़े लेवल दे है वो बंदे, ये लोग सब जानते हैं, लोगों को पता है जी। नहीं कोई तो लोग भी तो सुनना चाहते भी कांग्रेस के लीडर पता, कांग्रेस के लीडर है जी, कांग्रेस के लीडर है, मैं कांग्रेस से, कांग्रेस के लीडर है। लेवल कि जलंधर का या फिर सीनियर लीडरशिप? देखो मैं तो जिम्मे दसिया मैं PCC प्रेजिडेंट रहा, वर्किंग कमेटी का मैंबर रहा, मैं कला जलंधर च नहीं सीमित, मेरे हर जगह लिंक्स है, सारे पंजाब दे विच है, इस करके जिथे जिथे भी पंजाब दे उन्हां लोकां नूं जिहड़ियां टिकटां मिलियां जिन्हां दा सस्पीशियस जिहड़ा हैगा रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड वो जरूर हाईलाइट कर देंगे। सीटां दी वंड नूं कैसे देखदे हो? चलो हुण हो गई है, हुण की करना, गलती हुई है, जे मेरे नाल धक्का होया होरना भी बहुतां नाल धक्का। किन्नियां कांग्रेस किन्नियां कढ सकदी जो वंड हुण होई है? नहीं मैं हले अज लास्ट डेट है, हले इहदी समीकरण देखदे हाँ फिर एनालिसिस करांगे, हले तां कोई पता नहीं कौन कित्थे खड़ा, किहदे नाल की मुकाबला, किन्ने कैंडीडेट आ, एक अद्धे दिन च पिक्चर क्लीयर हो जाएगी। CM चरणजीत सिंह चन्नी तुहाडे रिश्तेदार ने अपने भरा की टिकट भी नहीं दवा सके ना तुहाडी दवा सके, भरा उन्हां दे आजाद खड़ गए ने, CM चन्नी आप 2-2 विधानसभा हल्कों तो चोन लड़ रहे हैं, की लगता नहीं तुहानू भी 2-2 हल्कों तो जरूरी सी? नहीं चलो एक तो यह भी लड़न का यह भी हो सकता कारण कांग्रेस हाईकमांड ने एक मैसेज देना होगा कि आने वाले CM जिहड़े आ इह चन्नी आ चनी हुनी आ, इस करके ये फैसला पार्टी हाईकमांड करती है। जिवें मैं दस्या तुहानू भी मैनू हुशियारपुर लड़ाया गया, मैनू उधर भेजा गया, वो तो पार्टी हाईकमांड देख लैंदी है कई बार भी कि लोग किहड़ा किहड़ा बंदा है उसनू कित्थे भेजना हैगा, तो जिहड़े हाईकमांड के कमिटेड बंदे हुंदे आ वो हाईकमांड के मतहत रहिंदे आ, तो असीं भी हाईकमांड के मतहत ही रहे हैं, लेकिन हाईकमांड प्रोटैक्ट नहीं करती अपने बंदियां नूं। अगला फैसला कदों तक लोगे? मैं तुहानू दस्या भी मैं राहुल गांधी जी नूं एक बार मिल के मैं देखदा अज जां कल अपॉइंटमेंट लैके राहुल जी ने मिल के अपनी सारी उन्होंने दिल की गल दस के एक दो दिन लै लेंगे टाइम, हले स्क्रूटनी होनी है, हले नामजदियाँ वापसी होनी है, इलेक्शन का माहौल तो हूँ एक दो दिन बाद बनना है। बहुत बहुत थैंक यू जी। तो बिल्कुल हूँ आदमपुर सीट जी शुरू तो ही रेड़का बनी हुई थी, पिक्चर क्लीयर हो चुकी है, महेंद्र सिंह KP वालों दावेदारी की जा रही थी पर टिकट नहीं मिली, हालांकि कांग्रेस हाईकमांड वालों इन्हों भरोसा दिता गया, बीती रात तक इन्हों फोन आते रहे कि तुम अपना नोमीनेशन फाइल करो, अपने फार्म तैयार करो, एफीडेविट तैयार करो तो उत्थे जमा करवाओ, पर उत्थे आखिर जाके इन्हों सिंबल जिहड़ा सर्टिफिकेट हुंदा वह नहीं दिता जाता, जिस करके कांग्रेस की टिकट पर जिहड़े उम्मीदवारी वजो अपना नोमीनेशन फाइल नहीं कर सकते। कैमरा परसन साहिब सिंह दे नाल राहुल काला, जगबाणी TV जलंधर। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।